बाइक का आवाज कैसा है पता की नहीं। अगर आपको पार्टिसिपेट करना है गिव अवे में मैं हूँ नट्स एंड बोल्ट्स में जो कि हमारे ठीक पीछे में है और ये पड़ता है आपका AIDC पे गुवाहाटी दूरदर्शन केंद्र जो है इस तरफ है उसी के ठीक ऑपोजिट में आपको मिल जाता है। आप चांदमारी साइड से आते हो देन ये पड़ता है राइट हैंड साइड को, अगर आप गणेशगुड़ी साइड से आते हो तो ये आपको पड़ता है लेफ्ट हैंड साइड को। आपको पता चल ही गया होगा किस हिसाब से हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर। हमारा जो R3 है यहाँ पे लगने वाला है फुल सिस्टम, उसी का काम चल रहा है अभी फिलहाल। इससे पहले हम दूसरे शॉप में भी गए थे लेकिन वहाँ पे क्या कि पाइप नहीं मिल रहा है, बैंड पाइप नहीं मिल रहा है। जैसे आपको पता है कि हमारा बाइक है इनलाइन 2 सिलेंडर वाला बाइक और इसमें डायरेक्टली बैंड पाइप मिलना बहुत ही मुश्किल है। लोकल में मिलता है, ऑनलाइन ऑर्डर करने से आपको मिल जाता है लेकिन लोकल में मिलना बहुत ही मुश्किल है। फॉर दैट रीजन यहाँ पे आके थोड़ा बहुत रिसर्च करने के बाद पता चला कि यहाँ से ये लोग कंफर्मेशन दे रहे हैं कि आराम से आपका बाइक का जो बैंड पाइप के साथ में पूरा फुल सिस्टम हम लोग लगवा देंगे। आपको चूज करना है कि आपको क्या लगाना है। लियो विंसी बोल के एग्जॉस्ट इनके पास, उसके बाद एक्रा है, SC प्रोजेक्ट है, SC प्रोजेक्ट काफी लाउड है, इसका भी काम यहाँ पे चालू होने वाला है। देखते क्या क्या होता है क्या नहीं होता। अगर आप भी एग्जॉस्ट वगैरह चेंज करवाना चाहते हो तो आपको ये भी आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पर इस तरह का काम होता है। एक बार हमारा काम हो जाए एंड डेफिनेटली आई विल रिकमेंड यू गाइस। सो ऑलरेडी हमारा बाइक का काम जो है चालू हो चुका है। यहाँ पे फेयरिंग वगैरह अभी भाई साहब जो है खोल रहे हैं क्योंकि एक बार ये पूरा फेयरिंग खुल जाए उसके बाद ही जो बैंड पाइप लगेगा उसका डिजाइन वगैरह कैसे बैठेगा क्या नहीं बैठेगा उसके लिए थोड़ा बहुत रिसर्च करेंगे, R&D करेंगे, उसके बाद में इसका पूरा फिटिंग और फिनिश होगा। इधर में मालिक साहब है। आपका बाइक कौन सा? RX 100 है ना? ये रहा हमारे मालिक साहब का बाइक RX 100। जितने भी बाइकर वगैरह है सबका ड्रीम होता है मतलब एक RX 100 होना गराज में, ये बड़ी बात है। हमने जो बाइक चलाना सीखा था वो भी RX 100 में सीखा था और हमारे गाँव में हमारा एक RX 100 है जिसका हालत अभी काफी खराब है बट थोड़ा बहुत उसमें काम करवाने के बाद वो सही हो जाएगा। फिलहाल वो हमारे मामा जी चलाते हैं। यहाँ पर आके ये चीज हमें देखने को मिला है कि जनरली हर दुकान में देखने को मिलता नहीं है। यहाँ पर है गुरु सेवक का एग्जॉस्ट और यहाँ पर है रेड रूस्टर का परफॉर्मेंस वाला एग्जॉस्ट जो कि मेटियोर 350 का भी है। गुरु सेवक इंटरसेप्टर का है ना? अच्छा, हम जो लगा रहे हैं अभी हमारे जैसे लियो विंसी है या फिर एक्रा है या फिर SC प्रोजेक्ट है उसमें से एक चूज करना पड़ेगा हमें। एक बार देख लेते किस तरह का डिजाइन है एग्जॉस्ट, उसमें भी हम चूज करेंगे। लेकिन अगर आपका बाइक भी आप चेंज करवाना चाहते हो तो ये सब परफॉर्मेंस वाला एग्जॉस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सो गाइस यहाँ पे लगा हुआ है सारा सिस्टम, ये रहा एक्रा, ये एक्रा, ये एक्रा और ये एक्रा, सारा सारा एक्रा ही है लेकिन बीच में दो लियो विंसी है और एक आइक्सिल भी है। आपको क्या लगता है कौन सा ज्यादा पसंद आया आपको? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। बट हमने जो है चॉइस मतलब कर लिया है एक्रा ही लगाना है। 1, 2, 3 और 4 चारों में से एक लगाना है तो हमें ब्रांडिंग काफी पसंद है। फॉर दैट रीजन ये वाला हम ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ब्रांडिंग किया हुआ है एक्रा 50 का। बाकी ये सब में यू नो ब्रांडिंग वगैरह नहीं है और ये वाला जो है इसमें कुछ भी नहीं है, मतलब पूरा कंप्लीटली खाली है। इसमें डीवी किलर विलर कुछ नहीं है तो हमें चाहिए डीवी किलर क्योंकि कभी कभी शोर पसंद है कभी कभी शोर पसंद नहीं है। हमें यही पसंद आ रहा है तो यही लगवाएंगे अभी। इनके साथ लगवाते हो कौन सा लगवाना आप चाहते होंगे नीचे सेक्शन में जरूर बताना। बाकी ये वाला जो एक्सिल का है ये ज्यादातर बेनली वाले लोग ज्यादा लगाते हैं। बेनली का 600i वाला जो बाइक है उसमें एक्सिल का एग्जॉस्ट लगाने से घमासान साउंड आता है। ये सब एग्जॉस्ट तो हमने दिखा दिया, हमारा वाला भी दिखा दिया हमने और यहाँ पे छोटे छोटे एग्जॉस्ट भी है उसी के साथ में। यहाँ पे एडवेंचर 390 का हेडलाइट ग्रिल भी है, कभी R3 का हेडलाइट ग्रिल भी मिल जाए। लेकिन हेडलाइट ग्रिल लेके हम लोग करेंगे कि यहाँ पे हेलमेट वगैरह भी आपको मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पे यू नो SMK का हेलमेट है, वेगा का है, स्टट्स का है और आई गेस 2-4 ब्रांड होगा इनके पास। फॉग लाइट्स लगाने का जगह एक्चुअली है नहीं हमारे बाइक में। यहाँ R3 में हमने 3-4 बार कोशिश किया था लगाने के लेकिन हर बार यू नो एक ही दिन चलाते बाइक में लगाकर दूसरे दिन गिर जाता है फॉग लाइट, सो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर माय काइंड ऑफ बाइक। एनीवेज अगर आपके पास टूरिंग बाइक है आप भी लगा सकते हो, इधर में HGC का भी फॉग लाइट है। और देखिए यहाँ पे सारा कुछ लोगो वगैरह है। इनकेस आपकी किसी बाइकिंग क्लब से बिलोंग करते हो, अगर आप यहाँ से शॉपिंग करते हो, नहीं भी करते हो, एक बार विजिट करके अपना लोगो यहाँ पे चिपका के जा सकते हो। एंड आउट ऑफ ऑल दिस लोगो हमें पता है ये वाला असम बाइकर्स का लोगो, DOC वाला लोगो, मोटल का पता है, लिको वाले का पता है। मैं बाइकिंग क्लब के बारे में बोल रहा हूँ, मोटल का तो मेरे को पता है और ये भी पता है मेरे को आसाम राइनोस बोल के। और NERM में हमको कभी दाखिल नहीं मिला। मोटोटॉर्क का है? अच्छा, मोटोटॉर्क, मोटोटॉर्क ब्रांड है जिसका हमने जैकेट लिया कुछ दिन पहले और ग्लव्स लिया था। एंड आई नो दिस वन टू तेजपुर बाइकर। ये तो पूरा चॉपर बना दिया है, पूरा चॉपर लग रहा है, अमेरिकन चॉपर। इसमें बैठ के हाईवे में चलाएंगे तो जिंदगी मांसा भुना हो जाएगा। तो यहाँ से नट्स एंड बोल्ट्स से अपना परफॉर्मेंस पर्ट्स वगैरह हेलमेट वगैरह सारा कुछ आपने शॉपिंग कर लिया, उसी के बाद तुरंत इधर यू टर्न लीजिए और सामने है रैपिंग का स्टोर, यहाँ पे आप रैप भी करवा सकते हो। मतलब क्या फैसिलिटी है बॉस। और इधर में कोना में एक गैराज, जगह बहुत है। और यहाँ पे हार्ली काइंड ऑफ एलॉय व्हील मिल रहा है मेरे ख्याल से क्लासिक वाले मॉडल्स के लिए। देखने में तो काफी रमक धमक और चमक धमक लग रहा है। बाकी इसका परफॉर्मेंस कैसा है कैसा नहीं है अगर आप पर्सनली यूज करते हो देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एक बार नाम बता दे।
दीजिए। मेरा नाम चंद्रशेखर दास। और ये नट्स एंड बोल्ट्स कब से शुरू किया आपने? 2018। अपार्ट फ्रॉम बुलेट बाकी बाइक का भी काम हो जाता होगा? सब कुछ, सब बाइक का होता है। तो लेकिन स्पेशलाइज आप लोग बुलेट में ज्यादा करते होंगे? हाँ। तभी बस बाइक जो है मैकेनिक को दे दिए, लेके चले गए भाई साहब। अभी बाइक कल ही मिलेगा हमें, तो कल वापस ही आएंगे शॉप में। लेकिन एक बात, हमारे जो सब्सक्राइबर मित्र है इनको हर जगह में डिस्काउंट चाहिए। जरूर जरूर। तो इनके साथ आपके पास आते हैं तो हमारा नाम बोलने से आप डिस्काउंट कर दोगे ना? डेफिनेटली। निकलते हैं और आपसे मिलते हैं कल। कंटिन्यू होगा ये वाला वीडियो। 1 2 3 मिलते हैं कल। दोस्त का एक शॉप खुला यहाँ हाथीगांव में। उस तरफ है हाथीगांव थाना यानी कि पुलिस स्टेशन, और इस तरफ है लिटिल फ्लावर स्कूल। इधर से आओगे आप थाना पहुंचने से पहले ही राइट हैंड साइड को यहाँ पे शॉप है मोबाइल हब बोल के। अभी जाते हैं अंदर, दोस्त से मिलते हैं, आपको भी मुलाकात करवाते हैं, पता करते हैं कि कितना खर्चा आने वाला है इसमें। वेलकम। कैसे हो? सबसे पहले बताओ। बढ़िया बढ़िया। पुराने सब्सक्राइबर मित्र भाई हमारे, एक बार शुभ नाम बता दीजिए। मेरा नाम अजहर अंसारी है। ये रहा मोबाइल, तो ये देने के लिए आए भाई को, क्योंकि आपको पता है लास्ट टाइम या फिर इससे पहले भी हम जब काम करवाते थे तो हम जाते थे बेलतोला। भाई बोले थे इंस्टाग्राम पर हम भी एक शॉप खोले हैं यहाँ हाथीगांव में, आपके घर के नजदीक में ही है, आके अपना अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो फॉर दैट रीजन ये रहा मोबाइल लेके आया है। इसको 900 रुपए पड़ जाएगा क्या? नहीं, बाकी तो सारा जगह 900 में होता है, हम लोग का भी प्राइस थोड़ा कम करके रखा है, 800 में हो जाएगा। आपका ग्लास चेंज हो जाएगा। अगर फोल्डर वोल्डर चेंज करना है, फोल्डर वोल्डर चेंज करना है तो थोड़ा महंगा है, लेकिन मार्केट के हिसाब से सस्ता ही मिलेगा। और नई चीज जैसे सब्सक्राइब मित्र है तो थोड़ा डिस्काउंट अलग से है। और बाकी कस्टमर लोग वही मैं सोच रहा था, ऐसा ना हो कि खाली मेरे लिए, सबके लिए हो जाएगा। देन इट इज गुड। ये रहा फोन। बट कितना दिन लगता है ऐसे इसको? दिन तो नहीं, डेढ़ दो घंटा का काम है। फोन भी रखते हो क्या? हाँ, सेकंड हैंड फोन भी है। फोन देखने से लेने का बहुत मन करता है। 11 है क्या? अभी आया था फोन। तो हम लेंगे सोच के हम ले लिए रेनो 6 प्रो। अभी रेनो 7 भी आ चुका है, लेकिन हमें आईफोन लेने का काफी मन था। रेट वगैरह कितना है? 64 GB का आपका 37,000 के आसपास में आ जाता है। डिपेंड करता है मतलब कैसा कंडीशन है, और बैटरी का लाइफ ज्यादा नहीं यूज किया हुआ। एंड्रॉइड भी सारा मिल जाएगा, अभी धीरे धीरे शुरू हुआ है। यहाँ पे आइए आप लोग, कम दाम में मिलेगा, मार्केट के हिसाब से कुछ डिस्काउंट भी हो जाएगा। और जैसे भाई हमारे सब्सक्राइबर मित्र है तो थोड़ा बहुत आप भी हेल्प कीजिए, यानी कि दुकान नया नया खोले है तो आप आइए लेना है, ऐसा नहीं आप आके विजिट कीजिए, देखिए दुकान। हमारा जो फोन है ये हम देखे जाते हैं, और अभी जाते हैं हमारी मंजिल की ओर। भाई का शॉप का एड्रेस वगैरह मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, जाएगा यहाँ पे भी आ रहा होगा। बाकी थैंक यू सो मच, दुआ में याद कीजिएगा। अलविदा नहीं मार रहे, फटाफट कल आ रहे। फिलहाल हम फिर से वापस ही आ चुके हैं नट्स एंड बोल्ट्स में, और हमारा बाइक का काम जो है थोड़ा सा बाकी। अगर आपके पास भी शॉप है, अगर आप भी चाहते हो कि कुछ अनोखा आपके शॉप में हो, तो ये जरूर लगाना आपके शॉप में। कस्टमर्स आर किंग, किंग डोंट बर्गेन, मतलब एक तीर से दो निशाना। ये अभी क्या हो रहा है इसमें? पफिंग हो रहा है। अच्छा अच्छा, कुछ पॉलिश होगा इसमें क्या? पॉलिश होगा, जिसमें जो वेल्डिंग का जो कालापन है हाँ, चला जाएगा, वो चला जाएगा ना। अच्छा आ जाएगा। लिंग का जो कालापन होता है वो हटाने के लिए कुछ क्रीम वीम घसना पड़ता है, कुछ कुछ लगाना पड़ता है, तो वही चल रहा है। यहाँ पे जैसे पैकेट में लिखा हुआ है मेटल पॉलिश होगा इसमें। और भैया से हम पूछे थे कल की अगर हम ऐसे एग्जॉस्ट लगा लेते हैं तो ऑटो सेंसर लगेगा कि नहीं, भैया बोले ऑटो सेंसर लगेगा। उस हिसाब से बीच में देखे केबल वगैरह सब कुछ है, तो अभी ज्यादा टाइम नहीं है, बस ये लगेगा, उसके बाद वाइजर भी लगेगा और आपको दिखाएंगे हम किस तरह से गुर्राते हैं। क्या था उसके बाद? जैसे मैंने कल बताया था आपको कि हमने जो बाइक चलाना सीखा था वो सीखा था हमने RX 100 पे। तो एक बार बैठते हैं बहुत दिनों के बाद में। बाइक का आवाज कैसा है पता है कि? जरूर कमेंट करके नीचे बताइएगा कि आपका पहला बाइक कौन सा था, या फिर आप बाइक चलाना सीखे हो तो कौन से बाइक में सीखे हो। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। बाकी कीप योर लाइफ। यहाँ पे लग रहा है हमारा बैंड पाइप, ये रहा हमारा बैंड पाइप। जैसे गाइस गर्मा गर्म है एकदम, लोहे में हाथ नहीं डाल सकते अभी। क्या धमाकेदार साउंड निकल रहा है, कौन सा ज़रा अच्छा लग रहा है, वो डीवी किलर और विदाउट डीवी किलर। बट सिटी के अंदर में अगर चलाना है तो डीवी किलर के साथ में चलाना पड़ेगा। इधर में हमारे एविन भाई आए, हमारे गली के महाराजा। बाइक का इधर में भी बाइक आ चुका है, देखिए 2-2 R3। कौन सा रैप ज्यादा अच्छा लग रहा है, ये वाला या फिर हमारा वाला? डू लेट मी नो। और अभी भी जाके भाई लेके आए गार्डन गियर्स का ये वाला बैग, जो कॉम्रेड पिस्टॉप से लाए होंगे मेरे ख्याल से शायद। दिस वन इज गुड, बट राइनोस का भी अच्छा ही है, ये थोड़ा बजट में ये भी अच्छा है, राइनोस का थोड़ा महंगा पड़ता है। बाकी अभी बिल वगैरह क्लियर हो चुका है, अगर आप भी आके लगा तो आपको भी डिस्काउंट मिल जाएगा। शॉप का एड्रेस वगैरह सारा कुछ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा कुछ डिटेल्स है। आपको ये वीडियो देख के फायदा होने वाला है थोड़ा बहुत, अगर आपको पार्टिसिपेट करना है गिव अवे में, एक छोटा सा गिव अवे इनके तरफ से, एक इंजन ऑयल, यानी कि आपका बाइक कोई भी हो, मतलब R15 हो या फिर हिमालयन बुलेट हो, कोई सा भी बाइक हो, अगर आपको चाहिए एक इंजन ऑयल, किस लिए चाहिए एंड इंजन ऑयल का फायदा क्या है क्या नहीं, उसके बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। ये रूल नंबर 1। और रूल नंबर 2 होगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। रूल नंबर 3 होगा इनका जो फेसबुक पेज है और इंस्टाग्राम पेज है उसको आप फॉलो अप कीजिए। और भाई जो है कमेंट सेक्शन से रैंडम विनर सिलेक्ट करेंगे, बाकी जो विनर है उसके बारे में हम हमारे इंस्टाग्राम
मंडल में बता देंगे, एक दो दिन में विनर सिलेक्ट हो जाए उसके बाद बता देंगे, आप शॉप पे आके अपना प्राइज जो है कलेक्ट कर सकते हो। फिर मिलते हैं, दुआ में याद कीजिएगा, अगर पुलिस वाले पकड़ लेते हैं तो ये आएंगे फिर से लगवाने के लिए ओरिजिनल वाला। सो गिव अवे में मिलने वाला है आपको मोटुल का ऑयल, तो फटाफट पार्टिसिपेट कीजिए, नीचे कॉमेंट कीजिए और जीत के लेके जाइए घर में ये वाला इंजन ऑयल, कोई भी बाइक हो टेंशन नहीं है मिल जाएगा, तो फटाफट कॉमेंट कीजिए। तो फाइनली गाइस लग चुका है, ये रहा एक्राफोविक का एग्जॉस्ट और यहाँ पे स्टिकरिंग भी हो चुका है और ये है स्लिप ऑन नी, पूरा फुल सिस्टम है। अभी फिलहाल हमने इसमें डीवी किलर लगा दिया है, इंस्टाग्राम में स्टोरी भी डाल दिया, बहुत सारे भाई लोग बोलते हैं एक साइड में राइड करना है एक साथ में राइड करना है, तो इसके वजह से हम बोलते रहते हैं इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिए, कल जाएंगे राइड पे, पता नहीं कहाँ जाएंगे लेकिन कहीं तो जाएंगे क्योंकि धूम मचाना है भाई। और अभी जो मैकेनिक भाई है, कहाँ गए मैकेनिक भाई, थैंक यू सो मच, अच्छा लगा। और कुछ थोड़ा थोड़ा अगर काम बाकी होगा मैं आ जाऊंगा मंडे को, वैसे भी आने वाला हूँ, जो ओरिजिनल एग्जॉस्ट है यहाँ पे है मेरा, ठीक है भाई थैंक यू। सिराज यस यस राइट राइट, व्हाट्स योर नेम? उमेश। उमेश अच्छा अच्छा अच्छा, फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश अच्छा अच्छा, अरुणाचल प्रदेश तो मेरा फेवरेट है। या यस श्योर श्योर, हेलमेट निकाल लेता हूँ। चलो कोई ना, अभी फटाफट चाय पीते हैं और घर के लिए निकलते हैं। एग्जॉस्ट एग्जॉस्ट भाई भाई, सुना सुना सुना, हाय हाय, हमको रोना आ रहा है तुम्हारा एग्जॉस्ट नोट सुन के। वेलकम बैक फ्रॉम मिचुकर, हमारे कुकू भैया जी, पप्पू सोकिया भाई, इधर में भाई अभिजीत, अभिजीत अभिजीत क्या वो अभिजीत बाइकर, प्रमोशन भी हो गया। कल का प्लान जो है यही है कि एग्जॉस्ट का डीवी किलर खोलना है कल सुबह हमको, हम लोग लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं कुट्टा निशरा फाला हो खाली। तो वीडियो को आप यहीं पे समाप्त करते हैं और जो गिव अवे कॉन्टेस्ट है अगर पार्टिसिपेट करना है नीचे कमेंट जरूर करना। तो आज के लिए इतना दोस्तों, आज वीडियो इतना कमेंट जरूर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, टिल देन ड्रीम बिग बी पैशनेट एंड ऑलवेज राइट सेफ, ऑलवेज राइट सेफ माय ब्रदर एंड डोंट ट्रबल योर मदर। बाकी मिलते हैं अगले वाले ब्लॉग में फटाक से, चलिए बाय बाय, जाते जाते प्यार देके जाना और सब्सक्राइब बटन जो है दबा के जाना, कैसे दबाना पता है, ऐसे दबाना है।